नमस्कार, मैं हूं दीपक खनेज और आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। आज पूरे देश में दिवाली का माहौल बना हुआ है। चुनावों को लेकर 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में आ रहे हैं, और इसको लेकर ये बात समझी जा रही है कि देश के अंदर आने वाले 2024 का जो चुनाव है उसका ये सेमीफाइनल हो सकता है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें जो है वो इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हैं। और आज हम टोहाना विधानसभा के जाखल क्षेत्र में, यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि जो विधानसभा के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान जो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जा रहे हैं, उसके बारे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे नवजोत सिंह जी विक्की हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। विक्की जी, अभी अभी जो रुझान है चुनाव में जो 5 राज्यों के आ रहे हैं, 3 राज्यों में सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी जो है जीतती दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, ये जनता का रुझान है, जो जनता करेगी वो निर्णय माना होगा, माना होगा, और सरकार जिसकी बनेगी जनता ने बनानी है, जनता ही चुनेगी। बिल्कुल, नतीजे कुछ भी कहें लेकिन जो जनता जनार्दन करती है होता वही है। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि अभी पिछले कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो की एक यात्रा चलाई थी, उस यात्रा के दौरान पार्टी का एक मकसद था कि लोगों को जोड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो देश की दूसरी पार्टी है बीजेपी, वो कह रही है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने लोगों को तोड़ा है, ना कि जोड़ा है। ऐसा है जी, पहले से रुझान बढ़िया है, जितना भी जोड़ा गया है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ा गया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा एक सफल यात्रा रही है, उसमें महत्वपूर्ण कार्य निभाया राहुल गांधी ने। देखिए, बिल्कुल सही जो विक्की जी का कहना है कि ये नतीजे होते हैं जो आम जनता पर निर्धारित होते हैं, जनता जहां जाती है नतीजा वहीं जाता है। हमारे साथ पुनीत बंसल हैं जो कि वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रतिनिधि हैं, और उनसे पूछते हैं कि वो परमवीर जी के साथ कांग्रेस में हमेशा जाखल के लिए मेहनत करते हैं। पुनीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आ रहे जो नतीजों के रुझान है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो नतीजे आ रहे हैं जी, देखो बाकी रिजल्ट तो शाम को ही डिक्लेयर होना है, आपको पता ही है, लेकिन जनता का फैसला सर्वमान्य माना जाता है। जो जनता ने जिसको भी वोट दिए हैं वो फैसला दोपहर तक या शाम तक आ जाएगा, जैसा भी होगा जी हम सभी को मान्य होगा, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। बिल्कुल, जैसा होगा वैसा मान्य होगा। ये बातें आज जब से ही ये गिनती शुरू हुई है तब से आनी शुरू हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जब चुनाव हुए थे तब तक तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, सभी छोटे छोटे नेता, राजनीतिक पार्टी के जितने भी लोग थे, इस तरीके से खुश थे कि 2000 चुनावों का जो नतीजा है इस बार कांग्रेस पार्टी बदल के रख देगी, लेकिन नतीजे जो आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल खिलाफ आ रहे हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, यह हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जनता ने अपने समझ से वोट देने हैं। जनता जिसको चुनेगी, देखो सरकार तो उसी की बननी है, लेकिन एक बात जरूर है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने चलाई है, बाकी उससे देखो लोग उससे जुड़े हैं। लेकिन दीपक जी, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पहले से ग्राफ काफी ऊपर है, कांग्रेस पार्टी ने अपने कदम मजबूत किए हैं, लोगों को जोड़ा है, और पार्टी में जितने भी वर्कर हैं उन्होंने भी पूरी मेहनत करके आपसी भाईचारे को बनाया है। बिल्कुल, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं हमेशा अपनी पार्टी के लिए ही कार्य करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस ने कुछ ना कुछ जोड़ा है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि कांग्रेस ने कुछ ना कुछ जोड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के जो चुनाव होंगे उसके बारे में अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो सेमीफाइनल लगभग जीतता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हरीश गर्ग जी, उनसे पूछेंगे। हरीश जी, आज जो चुनावी जो रुझान है शुरुआती, वो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप ये शुरुआती नतीजों को लेकर? सबसे पहले तो मैं प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, उनको बधाई देता हूँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जीवित ही वहाँ पे किया है और वहाँ पे जीत आने का काम किया है। इसमें जो वहाँ के रुझान है पूरे प्रदेशों में, भाई नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो उनकी कार्य करने का काम है, और जो गरीब से गरीब अंत्योदय में जाकर जो वहां पे उनको डिलीवर करने का काम है, जो उनकी योजनाएं हैं उनको डिलीवर करने का जो काम है, उसी का परिणाम है कि वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में
भरपूर समर्थन उनको दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात इन्होंने कही कि जी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहुंची हैं और नतीजा जो आ रहा है इनका बिल्कुल साफ साफ कहना है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है उसकी वजह से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हरीश जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, 2024 का जो चुनाव होगा क्या आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में जो नतीजे आ रहे हैं उसका असर कितना रहेगा 2024 के चुनाव पर? हम चाहे 2024 के नतीजे की बात करें चाहे 2029 के नतीजे की बात करें, जो आज की पोजीशन है उसके मुताबिक भाई नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में किसी का कोई भी नेता इनके सामने नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। भाई नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, कार्यकर्ताओं को चाहे जमीन से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता है वो वहां पे अपनी पूरा अपनी मेहनत करता है। कोई भी इलेक्शन चाहे छोटा नगर पालिका का इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, उसमें सभी पूरे के पूरे कहीं भी अगर इलेक्शन होता है हर कार्यकर्ता वहां पे जाके काम करता है। जैसे कि मैं आपको हमारे यहाँ विधानसभा टोहाना से भाई सुभाष बराला जी भीलवाड़ा में वहां पर जाकर उन्होंने पूरे जिले में जिसमें 7 विधानसभा आती थी उन्होंने जी तोड़ वहां पर काम किया और कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने जो उनको आगे बढ़ने का उनको आगे काम उनसे लेने का और उनसे काम करवाने का काम किया, उसी का नतीजा है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। इसके लिए वहां की जनता, वहां के कार्यकर्ता और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बधाई के पात्र है। बिल्कुल बिल्कुल, हरीश जी ने बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता जब मिलजुल कर एक किसी की विधानसभा क्षेत्र में जब वो मेहनत करते हैं उसके नतीजे इसी तरीके से पहले से ही आ रहे हैं और आज भी वही नतीजे आ रहे हैं। हरीश जी, बस एक बार एक और आखिरी सवाल यही रहेगा कि इस प्रचंड जीत को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी जाखल के कार्यालय में किस तरीके से आज की खुशी मना रहे हैं? जाखल ही क्या, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको अपने मन से उत्साहित होकर इसको अपनी विजय के लिए अपना इसको मनाएगा। ये एक दिवाली से जैसा काम होगा और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये 2024 नहीं 2029 का भी एक रुझान आप लोगों के सामने आया है। ये भाई नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का एक आपको उदाहरण है कि किस प्रकार से इलेक्शन जीते जाते हैं, किस प्रकार से जनता के बीच में काम किया जाता है, किस प्रकार से जो केंद्र की नीतियां हैं उनको वहां पे डिलीवर किया जाता है। बिल्कुल सही कहा हरी जी ने कि आने वाले 2024 या 2029 के इन चुनावों का जो असर है वो साफ दिखता दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं हूँ A1 हरियाणा के लिए धर्मपाल सक्सेना के साथ दीपक खनेजा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।